नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CM राइज विद्यालय योजना। और जैसा कि हम सब जानते हैं और अच्छी तरह से परिचित हैं कि शिवराज मंत्रिमंडल की ये बहुप्रतीक्षित योजना है जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्च किया जाना है और बहुत ही उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा विद्यार्थियों के लिए। आगामी 10 वर्षों में 10,000 विद्यालय खोलने की जो योजना है वह बहुत ही ज़बरदस्त योजना है और यदि किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से किया जाए, सुचारू ढंग से किया जाए, तो वह निश्चित रूप से सफल होती है। लेकिन दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो परीक्षा संबंधी नियम आए हैं, पात्रता संबंधी नियम आए हैं, उसमें काफ़ी कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं क्योंकि नियमों को बार बार बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब अभ्यर्थी यानी कि जो शिक्षक हैं, हालांकि पूर्व से शिक्षक हैं, लेकिन जिनका चयन CM राइज विद्यालय में किया जाना है, वो हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। और हाईकोर्ट की शरण में क्यों गए हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है वह जानकारी। देखिए दोस्तों, हेडिंग आप देख पा रहे हैं कि CM राइज स्कूल में प्राचार्यों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चलिए देखते हैं क्या है इंटरनल मामला। तो दोस्तों, यहां पर बिल्कुल हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें, शॉर्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश शासन को हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि CM राइज स्कूलों में किसी भी प्राचार्य की नियुक्ति का जो आदेश है वो हाईकोर्ट के निर्देशन में ही किया जाएगा, यानी कि हाईकोर्ट से पूछे बिना कि नियुक्ति CM राइज विद्यालय में नहीं की जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पात्रता संबंधी नियम आए थे और अभी आदिम जाति कल्याण विभाग में भी ये लेटर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश भर में CM राइज स्कूल खोलने का निर्णय लिया, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्राचार्यों तक की नियुक्ति, शिक्षक से लेकर इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए परीक्षा ली गई थी, वहीं प्राचार्यों के लिए इंटरव्यू आयोजित किया गया था। इसमें पहले 10+2 प्राचार्यों को ही अवसर दिए जाने का बायलॉज बनाया गया था। तो दोस्तों, यहीं पर महत्वपूर्ण बात आती है कि प्राचार्यों का आवेदन भी लिया गया, बाद में विषयों में बदलाव कर उम्र और पात्रता भी बदल दी गई। CM राइज स्कूल में प्राचार्य की पदस्थापना के लिए उम्र 57 ईयर तय कर दी गई थी, यानी कि यहीं तक के अभ्यर्थियों को लिया जाना था, प्राचार्यों को लिया जाना था। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग एक और व्याख्याताओं उप प्राचार्यों की पदस्थापना की जाने लगी। CM राइज में प्राचार्य बनने का इंतजार कर रहे 10+2 प्राचार्यों को दर किन गया, यानी कि दोस्तों यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें बदलाव किया गया और ये जो बदलाव हुआ उससे 10+2 जो प्राचार्य थे सीनियर, उनके लिए काफ़ी कुछ रोक साबित हुई है और उनको कुछ लगा है कि इस प्रकार की जो पात्रता है हम उसमें नहीं आ पाएंगे और उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। इसी बदलाव के खिलाफ कई प्राचार्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। रीवा के अजगरहा प्राचार्य डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा ने भी याचिका दायर की। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में ये वीडियो है और इसी के संबंध में जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो जारी किया गया है। तो WP 2977 ये नंबर है कि सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रक्रिया पर स्टे दे दिया है। तो दोस्तों, स्टे लग चुका है। कोर्ट ने कहा कि CM राइज स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति निर्देशन और अंतिम निर्णय के अनुसार ही किया जाएगा, यानी कि हाईकोर्ट ने जो पूरा पोजीशन है अपने हाथ में ले लिया है इस प्रक्रिया के संबंध में, प्राचार्यों की नियुक्ति के संबंध में। तो आइए दोस्तों, कुछ और दिशा निर्देश हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है वह। तो सभी याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई। अब इसको देखें आप कि CM राइज में प्राचार्यों की नियुक्ति को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने WP ये सब नंबर दिए गए हैं दोस्तों, अलग अलग याचिकाएं हैं को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। हाई कोर्ट में अब तीनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। मामले की सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया गया है, ठीक है। अब इन प्राचार्यों ने कोर्ट की शरण ली तो वो भी आप देख लें। तो रीवा के प्राचार्य तो हैं ही, डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा, ठीक है। उसके बाद हैं जो कि महेश तिवारी जी हैं जो कि प्राचार्य हैं मैसाओं। उसके बाद शिव कुमार त्रिपाठी, पिता मिठाईलाल त्रिपाठी, है ना, ये सब जो है प्राचार्य हैं। इन लोगों ने अपने अपने कारणों से जो भी रहा है वो याचिकाएं दायर की हैं। और उसके बाद हम बात कर लें तो रीवा की बात है चूंकि, तो रीवा में 12 स्कूलों का CM राइज विद्यालय के लिए चयन किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं प्रारंभ हुई थी और उस पर कंप्लीटली कार्यवाही की गई थी। तो दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये बहुप्रतीक्षित योजना रही है, लेकिन ये भी विवादों में घिरती नजर आ रही है। हाईकोर्ट में इसका भी मामला चला गया है और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि 9,200 शालाओं
का जो कि सर्व संसाधन संपन्न शालाएं होंगी का लक्ष्य कब पूरा होता है, कितने समय में कंप्लीट किया जाएगा, और आदिम जाति कल्याण विभाग में भी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और आगे क्या निर्णय होगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।